नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज आशीष गिरी और एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, सहारनपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जूडो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट आदि यहाँ पर कई तरह के खेल सिखाए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक और अधिक सुविधाओं से युक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अधिकतर खेलों के कोच भी सरकार द्वारा नियुक्त कर दिए गए हैं, जो कि बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यदि आप मेरी पुरानी वीडियो का कंपैरिजन नई वीडियो के साथ करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे काफ़ी सारा सुधार किया जा चुका है। दोस्तों, 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकेंगे। स्टेडियम में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 20 करोड़ रुपये के कार्य कराए जा रहे हैं। इसके तहत जूडो और बैडमिंटन हॉल की पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दोनों हॉल के भीतर लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि रात के समय में भी मुकाबले कराए जा सके। तो दोस्तों, एक क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए नेट बना हुआ है, यहाँ से आप बॉलिंग डालेंगे, वहां से सामने वाला बैटिंग करेगा। दोस्तों, एक नई अपडेट के अनुसार अग्निवीर बनने को 13 जिले के युवा अंबेडकर स्टेडियम में लगाएंगे दौड़। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद ने जिले और अग्निवीर भर्ती के तहत सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन जिलों के अभ्यर्थी भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे उनमें सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुर, गाजियाबाद, बिजनौर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली भी है। बैठक में सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल सोमेश जायसवाल ने भर्ती से संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 1000 अभ्यर्थी रैली में शामिल होंगे। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सभी विभागीय अधिकारियों को रैली में संबंधित व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पेयजल, साफ सफाई, बैरिकेडिंग लाइट, मोबाइल, शौचालय, एम्बुलेंस आदि की उचित व्यवस्था की जाए। ये किस लिए है भाई? चिड़िया के लिए। नहीं भाई, नहीं, पागल है क्या? चिड़िया के लिए नहीं है ये ना। है ये जरूर किसी चीज के लिए, जैसे ये बंदा है इससे पूछते हैं। ये देख सामने है, ये है योगा मंच। ये एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग के लिए बनाया गया है। क्या पता बारिश के कारण भर गया वो पानी। आजा रोनाल्डो से मिलने चल दे। वो देख उनकी स्पीड देख। मैं चारा कोई मिल्खा सिंह की तरह भागा हुआ है। ब्लैक वाला नाना थक जाएगा। देखते हैं, सही दौड़ रहा, लेकिन इतनी स्पीड नहीं है। देख थक गया ना। भाई लाइटें वगैरह की भी सुविधा है, यानी रात्रि में भी यहाँ। ये जो सेक्शन बनाया गया है ये बॉक्सिंग के लिए बनाया गया है, ताकि बॉक्सिंग के आपस में कंपटीशन कराया जा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पे मतलब जैसे कोई बाहर से आता है 26 जनवरी के दिन आता है या कभी भी, तो उसके लिए चीफ गेस्ट के लिए आयोजन किया जाएगा। ये है दोस्तों जूडो हॉल, जिसके अंदर अगर आप जूडो सीखना चाहते हैं तो आप अंदर जाएंगे, आपको अंदर प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी फिलहाल ये बंद है, इसलिए इसके अंदर हम नहीं जा सकते। क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर मंडल। There are 4 sections. Supplier of EWF World Championship.
Ooh.